Hello everyone, we are from Digicon Automation, a authorized channel partner of Danfoss. और आज हम देखेंगे कि Danfoss के ड्राइव को फैक्ट्री रिसेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दो बार मेन्यू बटन दबाकर अप की के थ्रू हम पैरामीटर ग्रुप 14 में जाएंगे। 14 आ जाने के बाद ओके दबाएंगे और अब हम पैरामीटर नंबर 14-22 में जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू एंटर करने के लिए ओके दबाएंगे। जैसे ही पैरामीटर वैल्यू ब्लिंक होगी हम उसमें दो सेट कर देंगे। तो दो नंबर सेट करने के बाद ओके दबा देंगे। तो अब ये पैरामीटर वैल्यू ड्राइव के अंदर सेट हो चुकी है। अब वापस दो बार बैक बटन दबाकर मेन मेन्यू से बाहर आ जाएंगे और अब हम ड्राइव का मेन सप्लाई ऑफ कर देंगे। तो अभी हमने मेन सप्लाई ऑफ कर दिया है। अब 10 सेकंड बाद हम मेन सप्लाई वापस से ऑन कर देंगे। तो पावर ऑन करने पर यहाँ पर अलार्म नंबर 80 हमें शो होगा LCP पे। वही अलार्म के जो LED है वो ब्लिंक होगी। तो अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले ओके दबाएंगे और अब ऑफ रिसेट दबाकर वापस से ऑटो ऑन दबा देंगे। तो अब ये हमारी ड्राइव फैक्ट्री रिसेट हो चुकी है। थैंक यू।